नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। यूपी के फिरोजाबाद में पहुंचे अधिकार सेना के प्रमुख व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। नगर निगम चुनाव को लेकर अमिताभ ठाकुर ने मौजूदा सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार व निर्वाचन आयोग अपनी साठगांठ से काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालकर अभी तक आरक्षण की सीटें निर्धारित नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमें व अन्य लोगों को अपने प्रत्याशी उतारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अधिकार पार्टी पूरे जोश के साथ नगर निगम चुनाव को लड़ेगी। और क्या कुछ कहा, आगे की खास रिपोर्ट देखिए। आज आप फिरोजाबाद आए हैं, अधिकार सेना को लेकर किस तरह का काम है, ये आगामी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में किस तरह का दमखम के साथ में लड़ेगी और क्या क्या पार्टी की नीतियां हैं, जरा विस्तार से बताइए। अधिकार सेना एक नई राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना है। अधिकार सेना का उद्देश्य आम नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है, चैतन्य करना है। इन्हीं उद्देश्यों से हमारी पार्टी हर स्थान पे धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हमारे जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हीं को लेके हमारी पार्टी चल रही है। उसी क्रम में मैनपुरी और इटावा गया था, जहां पर मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने श्री रौली यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फिरोजाबाद में आने का उद्देश्य अधिकार सेना को फिरोजाबाद में क्या स्थितियां चल रही हैं, जो आगामी नगर निकाय चुनाव हैं उनमें कैसा प्रदर्शन हम कर सकते हैं, पार्टी यहाँ किस तरह बेहतर ढंग से स्थापित हो सकती है, जिलाध्यक्ष श्री जीशान जी के सौजन्य से और हमारे अन्य साथियों के सहयोग और निरंतर अथक परिश्रम से पार्टी कहाँ पहुँची है, इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी विषयों पर चर्चा करना, पार्टी को आगे ले जाना और पार्टी के मौलिक उद्देश्यों में कोई छेड़छाड़ तो हम नहीं कर रहे हैं, लोगों के योग्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करना ही फिरोजाबाद आने का हमारा मुख्य उद्देश्य था। क्या आगामी चुनाव को लेकर भी प्रत्याशियों को उतारा जाएगा फिरोजाबाद से? आगामी नगर निकाय चुनावों को लेके कुछ नाम हमारे निश्चित हो गए हैं, जैसे हमारे सामने डब्बू साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, 69 वार्ड में है, और तमाम नाम आपने बताया था मुझे जो तय हो गए हैं, और कई नाम जैसे अभी हमने एक नाम घोषित किया है वार्ड नंबर 24 से मुन्ना ठाकुर जी का। तो इस तरह से लगातार हमारे मेयर का चुनाव भी हम लड़ेंगे यहाँ से, हमारे जो और स्थान हैं शिकोहाबाद से, जसराना से, टुंडला से, सिरसागंज से, जहाँ जहाँ नगर निकाय हैं वहाँ हमारी पार्टी यथासंभव जहाँ भी हमारे प्रत्याशी सामने आएंगे हमारी पार्टी से लोग लड़ेंगे। जैसे हमने शिकोहाबाद से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए श्री टिंकू यादव को, देखिए चूंकि मेयर पद पे वर्तमान समय में विशेष करके जो आरक्षण का जो नीति है उसको लेके अभी सरकार ने जानबूझकर भ्रम बना रखा है। मैं मौजूदा सरकार पे और राज्य निर्वाचन आयोग पर यह आरोपित करता हूँ कि वे जानबूझकर इस पूरे प्रकरण को विलंबित किए हुए हैं। हमें इस बात की बहुत घोर आशंका है कि आयोग ने राज्य सरकार को, सत्ताधारी पार्टी को बता दिया है कि आरक्षण की क्या स्थितियाँ हैं, वे अंदरूनी रूप से इसके लिए तैयार हो रहे हैं, अन्य पार्टियों को वो भ्रम में रखे हुए हैं और सत्ताधारी पार्टी को गलत लाभ देना चाहते हैं। इसी कारण हम लोग भी अब मेयर का प्रत्याशी अपना सही ढंग से समय से नहीं उतार पा रहे हैं। ये सीधे सीधे हमारी निगाह में राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की मिलीभगत है, जो जनतंत्र की हत्या का एक प्रयत्न है। आज आपके यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, पार्टी पर किस तरह का कार्यालय पर किस तरह का काम कार्य हुआ है, क्या जानकारी पूरी दीजिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमिताभ ठाकुर जी जनपद फिरोजाबाद अगमान पर आए हैं और
सुबह शहीदों को नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद अंबेडकर पार्क में हम लोग गए श्रद्धांजलि देने, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उस पार्क में ताला डलवा दिया और सर को बाहर गेट पे ही मालार्पण करना पड़ा। और क्रम में सर ने जगह जगह अपने पार्क के वार्डों के प्रत्याशी और नगर निगम चुनाव पर चर्चा के संबंध में सर ने चर्चाएं की हैं। और अधिकार सेना जो पार्टी बनी है वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सर आए हैं और हम लोग फिरोजाबाद से पूरी दम खम और पूरी जिम्मेदारी के साथ सर का साथ देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, MLC हो, कोई भी चुनाव, हर चुनाव में हमारी पार्टी प्रतिभाग करेगी।